वाराणसी में वायु प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कि अब भोलेनाथ समेत सभी देवी देवताओं को मास्क पहनना पड़ रहा है। धर्मनगरी में अब भगवान भी वायु प्रदूषण के चपेट में आ गए हैं। आलम यह है कि यहां पीएम 2.5 का इंडेक्स 450 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में जहां लोग इस जहर से बचने के लिए मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं अब मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं को भी मास्क पहनाया जा रहा है। दरअसल ये मान्यता है कि गर्मी में चंदन का लेप तो ठंड में शॉल भगवान को अर्पित की जाती है, ताकि ठंड और गर्मी का प्रकोप भगवान ज्यादा ना होने दे। ऐसे में वाराणसी के सिगरा स्थित मंदिर में पर्यावरण की इस स्थिति को देखते हुए पुजारी ने बाबा भोलेनाथ समेत अन्य देवी देवताओं का पूजन कर मास्क पहनाया, ताकि इस जहरीले प्रदूषण से भगवान राहत दे, तो वहीं इस पर्यावरण से उन्हें भी कोई नुकसान ना हो। प्रदूषण के कहर से भगवान भी नहीं बच पा रहे हैं, यानी कि लोग जो हैं वो भगवान को भी मास्क पहना रहे हैं और भगवान की शरण में जा रहे हैं, ताकि इस तरीके से भगवान को भी सुरक्षित रखा जा सके और भगवान की जो कृपा है वो बनी रही, और ऐसे में लोगों के लिए भी इसका कोई निवारण जो है वो निकल के सामने आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिरों में यहाँ पर मास्क जो है वो चढ़ाया जा रहा है। हम आध्यात्मिक लोग हैं, बनारस एक आध्यात्म की एक बड़ी राजधानी है, और यहाँ जिस तरीके से जब प्रचंड गर्मी होता है तो हम लोग अपने इष्ट देवता को चंदन का लेप लगा करके उनको शीतलता प्रदान करते हैं। उसी तरीके से जब सर्दी का मौसम होता है तो कंबल उनको चढ़ा करके उनको सर्दी से भी बचाने का काम करते हैं। मामला ये है कि हम इंसान लोग जिस तरीके से सर्दी और गर्मी और प्रदूषण को झेलते हैं, उसी हिसाब से हम अपने देवी देवताओं को भी देखते हैं।